पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास। सदियों से अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतः विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करते हैं। पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की संकल्पना की गई है। इस नई स्कीम के माध्यम से उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें MSME वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के संगठकों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा, बल्कि उनमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियां, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत सहायता दी जाएगी। पर्यटन, हमारे देश में घरेलू के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थानों की भरमार है। पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं जिनका उपयोग किया जाना है। इस क्षेत्र में विशेषकर युवाओं के लिए नौकरियां एवं उद्यमिता के शानदार मौके हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य राज्यों की सक्रिय सहभागिता, सरकारी कार्यक्रमों से समन्वय और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के साथ मिशन मोड में किया जाएगा। हरित विकास, हम हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन और हरित उपस्कर के लिए अनेक कार्यक्रम और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए नीतियां क्रियान्वित कर रहे हैं। हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को कम करने में सहायता पहुंचाते हैं और हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौके उपलब्ध कराते हैं। इस बजट की प्राथमिकताएं, इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वे एक दूसरे का संपूरण करती हैं और अमृतकाल के दौरान हमारा मार्ग निर्देशन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अब मैं प्राथमिकता नंबर 1 पर बात करूंगी, समावेशी विकास। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।